नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बस्ती में बड़ा नुकसान, लोगों द्वारा किया जा रहा है बच्चों को बचाने का प्रयास, दो बच्चे फंसे हैं। भारी भीड़ इकट्ठा, पानी में फंसे दोनों युवकों को टीआई कोलगवा की मदद से बाहर निकाला गया। ठेकेदार नारंग का बताया जा रहा खेल। 70 साल पुराने तालाब की आज तक नहीं फूटी में, अब बहाने भी गढ़े जाने शुरू होंगे। ये आपराधिक मामला है, क्या कायमी होगी? जान का जोखिम हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारियों की यह है करतूत। मेड़ को जेसीबी से काट मिट्टी निकाली जा रही थी, इसी वजह से नारायण तालाब की मेड़ फूटी। महापौर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम मौके पर। पानी में फंसे दोनों बच्चे जो सलामत है। बता दें कि सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हवाई अड्डे रोड पर स्थित नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण का काम भोपाल की ठेका कंपनी मेसर्स के नारंग को लगभग 8,66,00,000 रुपए में दिया था। ठेका कंपनी के नारंग को 2 सितंबर 2021 को वर्क आर्डर जारी किया गया था। अनुबंध की शर्त के अनुसार ठेका कंपनी को यह प्रोजेक्ट 18 महीने में पूरा करना था, यानी काम मार्च 2023 में पूरा हो जाना था, लेकिन यह अवधि गुजरने के 18 माह बाद भी इस प्रोजेक्ट का काम अधूरा है। इस ठेका कंपनी की करतूत के चलते पहले 3 सालों से यह तालाब सूखा था। अब जब इस साल तालाब पानीदार हुआ तो ठेकेदार की लापरवाही से फूट गया और सैकड़ों लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो गई। जिम्मेदार अधिकारी अब पूरे तालाब फूटने के मामले की जांच की बात कहते नजर आ रहे हैं। क्या कैसे तालाब फूट गया है? फोड़वाया गया। कौन फोड़ा है? ठेकेदार के आदमी। मतलब नगर निगम वाले फोड़वाए? काहे के लिए फोड़वाए हैं तालाब? खाली करने के लिए। ओवरफ्लो था का है? नहीं था। हाँ, उनको बनवाना था तो फोड़वाए हैं तालाब बनवाने के लिए। क्या पता उनको क्यों बनवाए। अंदर पूरा